हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे बोट ब्लूटूथ हेडफोन्स का, जो कि मैंने 5 या 6 महीने पहले खरीदा था और आज मैं उसका रिव्यू देने जा रहा हूँ। फाइनली 5 या 6 महीने बाद बताया कर रहा था मैं ये नहीं करने वाला हूँ। आज हम रिव्यू करेंगे स्कल कैंडी इंडी का, जो कि है एक ट्रूली वायरलेस ईयरबड। जी हाँ दोस्तों, ईयरबड जैसे कि आप देख सकते हैं इसके फोटो में, ये एकदम सिमिलर डिजाइन है, सिमिलर पैटर्न है एयरपॉड जैसा, जो कि एप्पल का है। एप्पल का एयरपॉड आपको कॉस्ट करता है 12,000 रुपीज, ये मुझे कॉस्ट कर रहा है 7,500 रुपीज। ये 7,500 रुपीज। बट मैंने ये क्यों लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि काफी ज्यादा कन्वीनियंट है, प्लस ये ब्रांड है, स्कल कैंडी है, यू कैन ट्रस्ट ऑन इट। प्लस मुझे कुछ लाइट चाहिए था कम्पेयर टू दिस, इट वॉज वेरी वेरी हैवी। घर में मूवी देखने के लिए तो काफी ठीक है, मूवी गाना सुनना अगर घर में है तो, बट देन अगर कहीं बाहर जाना है तो दिस इज यार समथिंग आई वुड यू नो वॉन्ट टू, बिकॉज ये लाइट है, पॉकेट में आ जाएगा। तो चलिए अब इसे ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। मैंने अब तक इसे ओपन नहीं किया है, फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ। वाओ, तो सबसे पहला आपको जहां तक मुझे ओके, इसमें कोई भी मैनुअल नहीं दिया है क्योंकि इसका पैकेजिंग में ही मैनुअल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके सारे मैनुअल्स आपको काफी इजी है। तो फर्स्ट आपको पैर कैसे करना है, 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, सेकंड पैर विद द डिवाइस, फिर बाद में, अच्छा इसके नीचे 3 लैंग्वेज में अलग से लिखा है, तो प्लीज आप सिर्फ फर्स्ट लाइन ही पढ़िए, ये कुछ बड़ा नहीं आपको लगेगा पैराग्राफ जैसा, नहीं सिर्फ वन वर्ड है, ठीक है। फिर कितने बार दबाने पर वॉल्यूम बढ़ता है और कितने बार दबाने पर आप ट्रैक चेंज कर सकते हो, आगे पीछे प्ले पॉज कर सकते हो और कॉल रिसीव कर सकते हो टैप करने पर। इसे ओपन करते हैं, पैकेजिंग सीम्स टू बी नाइस। ओके, तो ये इसका केस है, जैसे हमारा एयरपॉड और बाकी सारे ट्रूली वायरलेस का केस आता है, इसमें स्कल कैंडी काफी बेहतरीन तरीके से लिखा है। सो ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, ये देखिए, ये लाइट का मतलब है बैटरी जो है 33% है, सेकेंड लाइट पे मीन्स 70% आसपास, एंड लास्ट लाइट यानी कि मैक्सिमम फुल, ठीक है। तो हमारा मीडियम लेवल की बैटरी है, हम इसे साइड में रख देते हैं। ये केस जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, बट हाँ पॉकेट फ्रेंडली है, पूरा प्लास्टिक की बॉडी है, बट यू डोंट फील दिस, चीप टाइप ऑफ प्लास्टिक नहीं है ये, अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है, ठीक है। तो इसे साइड में रख देते हैं, हमारे ईयरबड्स को हम निकालेंगे। वाओ, सो ये रहे हमारे ईयरबड्स, काफी कन्वीनियंट है। जब से ये 3.5 mm का जैक चला गया है फोन से, तब से ब्लूटूथ हेडफोन्स और ट्रूली ईयरबड्स ही हमारा सहारा बन गया है। तो मैंने भी एक फोन लिया है OnePlus 7, जैसे कि आपको सबको पता होगा अभी लॉन्च हुआ रिसेंटली, प्रो नहीं है 7 है, ठीक है, तो वो लिया है और उसमें ही मुझे जरूरत पड़ रही है और इसीलिए मैंने स्पेशली सिर्फ उसी के लिए मैंने लिया। तो ये सब कुछ इसमें आ जाता है, इसे एक बार ओपन करके देखते हैं और कुछ भी इसमें है क्या पैकेजिंग में। ओके, सो ये आपको USB कॉर्ड चार्जिंग के लिए और ये ईयरबड्स का साइज चेंज। ओ वाओ, आपको मैनुअल भी है, आई एम सो सॉरी दोस्तों, अंदर मैनुअल भी, मैंने पैकेजिंग देखी नहीं, जैसे कि मैंने आपको कहा था मैंने फर्स्ट टाइम ही ओपन किया है, तो मैनुअल हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत बोरिंग लगता है। मैनुअल की जगह यूट्यूब पे स्कल कैंडी ने अपने चैनल पे एक इसे पैर कैसे करते हैं, कैसे यूज करना है, उसका एक वीडियो दिया है, अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन लगे एक बार आप वो देख सकते हो। तो दोस्तों पैकेट से सब कुछ निकाल लिया है, ये है हमारा स्कल कैंडी का केस, जैसे कि मैंने कहा था काफी ब्रॉड है ये कंपेयर टू एप्पल एयरपॉड, तो ऐसे इसमें एक लाइट जल जाएगी रेड वाली। ये अब चार्ज होने शुरू हो चुका है, तो हम इसे पैर करेंगे हमारे फोन से और देखते हैं कैसा इसका साउंड है और कैसे इसकी फंक्शंस है। कल कैंडी इंडी लिए हुए मुझे 1 हफ्ते हो चुके हैं और मैं इसे अपने डेली रूटीन में यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये ट्रूली वायरलेस ईयरबड 7500 का वर्थ है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं इसके बॉडी से। तो सबसे पहले इसका केस जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, जैसे ये ओपन होता है तो इसके हेड पे लिखा होता है इंडी, ठीक है,
हम इसे अभी अपने केस से निकाल देते हैं। लुक वाइज ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही लाइट वेट है अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूँ तो। बट इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रहा हूँ, आप जब इसे ऐसे ही रख दोगे, ठीक है, अभी इसमें चार्जिंग नहीं है तो इसलिए रेड ब्लिंक कर रहा है, तो केस में इसे चार्ज करके ऑल टाइम 100% रहता है, ठीक है, मोस्टली जब तक केस में चार्जिंग है तब तक। तो ये कैसे अब बंद हो रहा है, ये देखिए, ये आप सुन लो, ये कैसे लॉक हो रहा है प्रॉपरली। बट जैसे ही मैं इसके साथ आए हुए ये जेल पैड्स को लगा दूँ, जो कि बने हैं एक स्टेबिलिटी के लिए, ये लगाने के बाद आपके ईयर में ये और अच्छे से बैठ जाते हैं। ये मैं स्पेशली जब जिम करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, तभी ही इसे यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं यूज़ करता। उसका ये रीज़न है, प्रॉपरली लॉक नहीं होते, सी दिख रहा है, ये लॉक नहीं होंगे पूरी तरह से, काफ़ी इजी हो जाता है इसे ओपन करना, तो वो मुझे नहीं पसंद। काफ़ी बार मुझसे अपने आप ही खुल जाता है, तो मैं प्रिफर करता हूँ कि मैं जेल पैड्स निकाल दूँ और मैं सिर्फ जिम के वक्त या वर्कआउट के वक्त ही इसे यूज़ करता हूँ। बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी अच्छी है, मैं अपने रेगुलर रूटीन में भी इसे आराम से 3 या 4 दिन तक यूज़ कर पाता हूँ। मेरे रेगुलर रूटीन में आता है पबजी फॉर 2 to 3 hours डेली, आधा घंटा हाफ एन आवर मैं गाना सुनूंगा, और मूवीज़ अगर कभी देख ली तो जैसे 1 घंटा 2 घंटा तो फिक्स होता है, वेब सीरीज़ या कुछ ऐसे। तो ये मेरा डेली रूटीन है इसे यूज़ करने का, और इस डेली रूटीन के साथ मैं इसे 3 दिन तो आराम से चले 3 दिन तो आराम से चला लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। तो साउंड क्वालिटी दोस्तों ये स्टीरियो है, अगर आप ज़्यादा बेस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा ये स्कलकैंडी, काफ़ी स्टीरियो में बेस बिल्कुल भी नहीं है। साउंड क्वालिटी को अगर मैं रेटिंग देना चाहूँगा तो मैं रेटिंग दूंगा एवरेज, क्योंकि जब आप बात करते हो स्कलकैंडी की तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी हो, तो वो नहीं था, बहुत ही अच्छा नहीं था, बस एवरेज था। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो जैसे ही आप इसे आपके पॉड से निकाल के आपके ईयर पे लगा दोगे तो वैसे ही आपको बोलेगा पावर ऑन, और इसके कुछ तकरीबन 10 सेकंड्स बाद ये कनेक्ट होता है। 10 सेकंड्स का जो वक्त है वो थोड़ा ज़्यादा वक्त है, बट मुझे अब तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है। ये टच कंट्रोल है, अगर आप इसे 2 बार टैप करोगे यू तो ये प्ले करता है, 2 बार टैप वापस करोगे तो ये पॉज करता है, अगर आप आपके लेफ़्ट ईयर को 1 बार टैप करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है, वॉल्यूम कम करता है, अगर आप इसे राइट ईयर को 1 बार टैप करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे तब आती है जब मुझे गाने बदलने हैं, तो गाने बदलने का ऐसा है कि 6 सेकंड तक आपको टच करके रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6, तो कई बार मुझे ऐसे काउंट करना पड़ रहा था कि 1 2 3 4 5 6 और अब हुआ गाना चेंज। बट बाद में मुझे थोड़े वक्त यूजेस के बाद पता चला कि जैसे ही आप उस लिमिट तक पहुंच जाओगे 6 सेकंड्स के, तो एक साउंड क्रिएट करता है बीप जैसा कि ये 6 सेकंड हो गए आप रिलीज़ कर सकते हो, और जैसे आप रिलीज़ कर दोगे तो गाना चेंज हो जाएगा, क्योंकि 10 सेकंड्स तक इसे दबाने पर ये स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं माइक क्वालिटी की। तो माइक क्वालिटी काफ़ी डिसेंट थी, बहुत बेहतरीन नहीं है, बस एवरेज है, एकदम एवरेज। जैसे अगर आप एकदम नॉइजी एनवायरनमेंट में हो तो सामने वालों को आपका वॉइस नहीं सुनाई देगा बिल्कुल भी। इसके राइट ईयरबड जो है उसी में माइक है और ये इसका मेन कंट्रोल है, अगर आप ये स्विच ऑफ कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप एक ईयरबड यूज़ करो एट ए टाइम तो आप राइट यूज़ कर सकते हो, बस लेफ़्ट आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लेफ़्ट में माइक भी नहीं है, और अगर आप ये बंद रखोगे तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये हमारा मेन है। क्या ये वर्थ है या नहीं 7500 इस चीज़ के लिए, तो मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ तो ये मुझे ठीक लगा, एवरेज लगा। प्राइस थोड़ा सा हाई है, इसका प्राइस 6000 होता या 5500 होता तो बहुत अच्छा ये बिक सकता था, बट 7500 थोड़ा सा महंगा है। अगर आप मार्केट में देखो तो 7500 में भी इतना अच्छा आपको ईयरबड नहीं मिलेगा, जितने भी सारे अच्छे ईयरबड्स हैं वो सारे आपको 10000 अबव रेंज के हैं। सो अगर मार्केट करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आपको बताऊँ तो ये ईयरबड वर्थ है। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।